पंजाबी में बोलते हैं चेपना है हाँ, तो मैंने चेपा है हम उस पे ज्यादा ध्यान देते हैं कि भैया हमारा ग्रेड क्या है परसेंटेज कितने है। हमें इस इस चीज पे ध्यान देना चाहिए कि हम सीखे क्या है धन्यवाद देना चाहूंगा ऐश्वर्य को कि क्योंकि वो इतना समय उसके साथ बिताती है मुझे ये मौका मिलता है कि मैं बाहर जाके अपना काम कर सकूं। गाइस वेलकम ऑन हर जिंदगी थैंक यू अभिषेक मैं शुरुआत आपसे करूंगी ट्रेलर

यामी के साथ निमृत के साथ और मेरे साथ और एक दो महीने लगे रोज उनके साथ बैठ के पढ़ पढ़ना स्क्रिप्ट पढ़ना डायलॉग्स की रिहर्सल्स करना वो हमें सिखाती थी, थी कि ये हरियाणवी एक्सेंट जो है कैसा बोला जाता है कैसे बोलना चाहिए हो okay. गया थैंकफुली <laughs> निमृत आपसे जानना चाहूँगी कि बिमला देवी का किरदार बहुत ही इंस्पायरिंग है घर के चूल्हे चौके से लेके गद्दी तक संभालती हैं और अब रियल लाइफ में भी ऐसा होने लगा है तो किस तरह से देखते हैं इस बदलाव को फिल्म में इंस्पायर तो पता नहीं बट एंटरटेन आई होप कर रही हैं वो uh, क्योंकि कहानी बहुत एंटरटेनिंग है और फिल्म जो है वो बहुत ही दिल से और बहुत ही हमने एक बहुत ही सादी इंटेंशन के साथ बनाई है आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट कि इस फिल्म में कुछ भी ऐसा हैवीनेस नहीं है किसी की भी या यू नो सब hmm. अपनी अपनी एक यू नो अपने अपनी छवि या अपने आप को घर पर छोड़ के और एक बहुत ही मज़े के साथ ये फिल्म बनी है तो ऐसी आ, वो इंटेंशन बड़ी उसमें बड़ी सादगी है और रही बात आ, इस तरह की जो जर्नीज़ रही हैं लोगों की वो बहुत इंस्पायरिंग है, जो रियल लाइफ जर्नीज़ हैं मैं उनसे इंस्पायर्ड रहती हूँ क्योंकि वो रियल लाइफ लोग हैं जिन्होंने वो करेज रखा और जिन लोगों ने उस तरह का एक मेंटल ग्रिट एक रखी कि यू नो कि हम ये कर सकते हैं या या यू नो हम किसी से कम नहीं हैं uh, अगर मौका मिले तो हम कुछ भी कर सकते हैं कभी आप दोनों के साथ ऐसा हुआ स्कूल टाइम में कि कभी किसी ने आपको चैलेंज किया हो कि ये आप नहीं कर पाएंगे और कर दिखाया हो स्कूल में नहीं पर मेरे साथ रिसेंटली uh, मैं मैं कनाडा में कुछ चार पाँच साल पहले एक जगह थी बहुत ठंड थी वहाँ पर और uh, मेरे साथ मेरी एक मेरी असिस्टेंट थी जो कि कनेडियन स्की स्की चैम्पियन थी वो मतलब कनेडियन स्की टीम में थी तो वो अपने कस्टम के बारे में बता रही थी जिसको बोलते हैं पोलो बे स्विम

फिल्म में आपका एक डायलॉग है सपना अधूरा रह गया रियल लाइफ में ऐसा कोई सपना है जो अभिषेक का अधूरा कई सारे हैं, हैं कई सारे हैं देखिए लेकिन हम लोग एक्टर हैं हम सपने काफ़ी देखते हैं हालांकि नींद पूरी करने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं मिलता है हम लोगों को लेकिन सपने तो बहुत सारे होते हैं और रोज एक नया सपना हमें दिखता है और हम चाहते हैं कि हाँ भैया ये भी करना चाहते हैं ये भी करना चाहते हैं तो खुशी इस बात की है कि हमारे प्रोफेशन के द्वारा हमें ये ढेर सारे मौके मिलते हैं कि जो कुछ भी सपने हों उन्हें पूरा करने के आपने पंद्रह किलो वजन ऑलमोस्ट बढ़ाया था इस कैरेक्टर के लिए तो कैसी थी मतलब और शायद फिर बीच में ऐसा भी था कि लॉकडाउन हो गया था तीन महीने तक आपको उस वजन के साथ रहना पड़ा जी 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 तो कैसी थी ये जर्नी वो तीन महीने वाली खाने जानी? से भरपूर थी जर्नी <laughs> 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 जिस पंजाबी में बोलते हैं चेपना हाँ तो मैंने चेपा है यू नो खूब खाया दिन रात उठते बैठते खाया ही खाया और मेरे पास टाइम था तो वो अच्छी बात थी कि मुझे इतने कम समय में बहुत ज्यादा वजन बढ़ाने की रिक्वायरमेंट नहीं थी और ऐसा कोई नंबर नहीं था कि आपको इतना वज़न बढ़ाना है आइडिया था कि एक लुक दिखनी चाहिए और जितना आप अलग दिख सकें एज uh, निम्रत जो मेरी अपनी बॉडी टाइप है विच आई एम बॉन्ड विद तो उससे मैं कितना अलग दिख सकूँ आइडिया वो था और तुषार का कांस्टेंट इनक्रेजमेंट था जो कि डायरेक्टर हैं फिल्म के आ, वो मेरी माँ बन चुकी थी बॉम्बे में उनसे रोज़ सुबह शाम मैसेज आ रहे थे खाना खा रही हो कि नहीं खा रही हो <laughs> तो मैं घबराती थी कुछ ऐसा इंस्टाग्राम पर डालने से गॉड फॉरबिड अगर कोई हेल्दी चीज़ हो तो मुझे पता था एक वहाँ से आएगा ये क्यों खा रही हो सो <laughs> so, बड़ा मज़ा किया मैंने खूब खाया फिर उसके बाद प्रमोशन तक आते आते वापस वजन घटा वो जर्नी अभी चल रही है <laughs> लेकिन एक सवाल मेरा बॉलीवुड की यहां पे मतलब मैं, मैं, grown up और मुझे बहुत मजा आता है यहाँ पे काम करके अपनी भाषा में अपने जोक्स अपनी प्रॉब्लम्स में बाहर की प्रॉब्लम समझती नहीं जैसे बाहर जाए वहां काम करें तो लोग धूप के लिए तरसते हैं मैंने ये प्रॉब्लम कभी देखी नहीं मतलब हम लोग जहाँ रहते हैं हम लोग हमारे पास धूप ही धूप है गर्मी ही गर्मी है यू नो सो अपने लोग अपनी प्रॉब्लम्स हमारी अपने जोक्स हमारी रेफरेंसेस Uh, uh, उनको क्या पता क्या, क्या क्राइम मास्टर क्या है? <laughs> या आप कंटिन्यू काम करती रहिए <laughs> मैं आप दोनों से जानना चाहूंगी क्योंकि फिल्म एजुकेशन पे बेस्ड है कहीं ना कहीं एजुकेशन का मैसेज देती है तो मैं आप दोनों से जानना चाहूंगी कि एजुकेशन की कितनी इम्पोर्टेंस है और किस तरीके से आप चाहेंगे कि लोग और अवेयर हों क्योंकि एजुकेशन हर किसी का एक बेसिक राइट है पर्सनल ओपिनियन ओपिनियन मेरा है कि शिक्षित होना बहुत ही जरूरी है शिक्षा से आपको दुनिया एक दूसरे नजरिया से देखने को मिलता है और वो जरूरी है लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपको कोई पर्टिकुलर मार्क मिले हम उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं कि भैया हमारा ग्रेड क्या आया परसेंटेज कितने आए हमें इस इस चीज पे ध्यान देना चाहिए कि हम सीखे क्या है आराध्या की जगह बात होती है मतलब मैं आपसे जानना चाहूंगी फादर उन पे ध्यान देते हैं और एजुकेशन को लेके हर चीज को लेकर के कौन कौन आपका रहता है कठिन है कठिन है लेकिन तो उनकी माँ जो है हमेशा उनके साथ रहती हैं और लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा ऐश्वर्या को कि क्योंकि वो इतना समय उसके साथ बिताती है मुझे ये मौका मिलता है कि मैं बाहर जाके अपना काम कर सकूँ एजुकेशन uh, को लेकर के बात हो रही थी मैं आपका भी वेट कर रही थी जी बहुत तो जरूरी है यू you नो know, मेरे पिताजी गांव में पड़े पड़े थे बड़े हुए थे दिन में वो अपनी मम्मी के साथ खेती बाड़ी करने जाते थे और रात को डेढ़ दो किलोमीटर चल के एक आ, बस स्टैंड पे एक लैम्प पोस्ट हुआ करता था वहाँ पे उसके नीचे सब बच्चे बैठ के पढ़ते थे सो so, उनसे जो मैंने इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन सीखी जो वो जिस

यू नो पैंडेमिक के दौरान ऐश्वर्या हमेशा कहती थी कि देखिए आप इतना मत होइए कि भैया काम करना है काम करना है ये सोचिए कि आपको ये मौका मिलता नहीं है कि अपने माता पिता अपने बच्ची अपने बीवी के साथ इतना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकें तो आई इट लाइक दैट मैंने हमेशा जीवन में ये कोशिश की है कि जो कुछ भी स्थिति हो उस उस उससे पॉजिटिविटी कैसे निकालें तो फॉर मी इट वॉज नाइस Uh, मेरी सबसे बड़ी लर्निंग ये थी कि हमें एक्चुअली खुश रहने के लिए बहुत कम चीज़ों की ज़रूरत है कहीं पे हम वो भूल जाते हैं हमें लगता है कि हम यहाँ जाना चाहते हैं ये करना चाहते हैं कॉन्स्टेंटली प्लान्स uh, बनाना चाहते हैं यू नो बट एक्चुअली अगर आप रिली really अपने आप से पूछें कि आपको खुशी कहाँ मिल रही है आई फाउंड सम आंसर्स देर सो सेकेंड लॉकडाउन में तो मैंने बस खाया फिर दोबारा <laughs> <laughs> क्योंकि हम लोग दसवीं फिल्म कर रहे थे बट ये दो साल जो लगभग निकले ना और uh,